Hello everyone, welcome to Master Learner. I hope all of you are doing good. कल के रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चों में खुशियां हैं और उन खुशियों के साथ साथ उनके एक्सपीरियंस भी हैं, और कुछ बच्चे जिनको हम अप्रोच कर पाए या जो हमारे पास आए समय कम रहते हुए, उनके इस एक्सपीरियंस को शेयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिल सके. So let us welcome Mayank and Anu, who got very nice rank and got selected for CPWD and MES. So we'll interact with them and we'll try to share their experience in this particular SSC JEE journey. Hello, thank Mayank you. And Anu, many, many congratulations from Master Learner team. Thank you, sir. And today we are going to interact with you, especially for this selection. Now you share your journey so that जो भी students तैयारी कर रहे हैं, at least वो इस journey में आपके इस experience को सुनने के बाद थोड़ा सा अपना improvisation कर सके. So can you just go through your and explain your journey? सर, दिस इज मैंग पांडे. सर, मैंने अपने 2019 में अपनी बीटेक कंप्लीट की थी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ से. सर, उसके बाद फिर मैंने अपने गेट की प्रिपरेशन की सर एक साल. फिर उसके बाद सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में एसएससी जेईई का दिया था सर. तो उसमें सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो सर इस टाइम मैंने सेकेंड टाइम था मेरा ये एसएससी जेईई का, और सर इसमें मैंने AR3 स्कोर कर लिया सर. सो व्हाट अबाउट अनु? सर मैं भी सर 2019 में पास आउट हुआ. बीटेक करी मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ से. उसके बाद गेट लिखा, फिर गेट के थ्रू सर एमटेक करी IIT धनबाद से. उसके बाद सर फिर वहां पे सर मैं कॉर्पोरेट कंपनीज में नहीं जाना चाहता था, इसलिए फिर मैंने एक साल प्रिपरेशन के लिए दी अपने आप को. तो सर पहले ये जो प्रिपरेशन है, जैसा मुझे पता चला दोनों के दोनों तुम लोग रूममेट हो शायद. यस सर. तो ये साथ में प्रिपरेशन करने से दो बातें हो सकती थी, या तो समय बर्बाद हो सकता था, दोस्त भी हो, या तो बहुत बेनिफिट हुआ. ये एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है. मुझे ये सबसे पहले ये बताओ कि साथ में रहने से क्या बेनिफिट हुआ तुम्हारे प्रिपरेशन में, या क्या नुकसान हुआ? नुकसान वाला भी बता सकते हो, अभी तो खुशी है. नहीं सर, बेनिफिट ही वाला सर, क्योंकि कुछ डाउट्स, काफी सारे डाउट्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे. तो मैं कभी इससे कई मेरे डाउट सॉल्व कर देता था, कभी मैथ्स के डाउट सॉल्व कर देता था. और सर एक मोटिवेशन रहता है सर, दूसरा सामने पढ़ रहा है दोस्त, वो ना आगे कर जा रहा है. जैसे आप कुछ मिला, मॉड्यूल मिला सॉल्व करने का, क्लासेस चल रही हैं जैसे मेंस की, तो फिर हम लोग पूछ लिए कितना हो गया, कितना अगली क्लास तक कितना कवर करना है, और मेंस की PYQ जैसे लगा रहे हैं, तो फिर ऐसे सब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पहले आपस में क्लियर करें, वरना फिर क्लास में डाउट पूछे ऐसे. सर सही रहता था. तो अभी ये सिलेक्शन होने के बाद में ये रिजल्ट तो कल ही पता चल गया होगा शायद. यस सर. तो अभी तो काफी खुश होगे. यस सर. नेक्स्ट क्या टारगेट है? सर नेक्स्ट तो सर अभी ESE का टारगेट है, मतलब करेंगे प्रिपरेशन तो उसी का टारगेट है आगे. जी सर, स्टेप बाय स्टेप सर चलेंगे तो ठीक रहेगा. अच्छा, ये प्रिपरेशन में ये जो 2 साल या 3 साल का टाइम लग गया, ऐसा नहीं लगा बीच में कि छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन, करना नहीं चाहिए, हो नहीं रहा है, एक बार दिया नहीं हुआ, छोड़ देना चाहिए था? नहीं सर, मैंने बीच में सर हमने राजस्थान JEE इनके एग्जाम निकले थे, तो सर उसमें एक एक नंबर से सर रह गया था मेरा सिलेक्शन. तो सर ये तो पता चल गया था कि मैं सक्सेस के बहुत करीब हूँ, और घर वालों ने भी कहा कि नहीं तुम थोड़ा टाइम और दे दो. मतलब ये सपोर्ट जो है वो बुरे समय में जब नहीं हो रहा था तो घर वालों से ये सपोर्ट मिल जाता था, ये हिम्मत मिल जाती थी. जी उन्हें, और तुम्हारे पास तो ऐसे भी दो लोग साथ में हो तो ज्यादा ही हिम्मत थी. जी सर. अच्छा, और क्या आपको इस पूरे प्रिपरेशन में प्री और मेंस दो पार्ट है एग्जाम का, ये प्री और मेंस में दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जो बच्चों को समझना चाहिए? सर प्री तो एक्यूरेसी और टाइम पे डिपेंड करता है सर. जितने ज्यादा क्वेश्चन आप जितनी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो वो सब ज्यादा बेटर करता है, जबकि मेन सर आपके कॉन्सेप्ट को चूज करता है. जी सर. लेकिन सर एज अ होल पूरा तैयार करना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्योंकि सर कभी कभी बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा. एक मेंस का सर क्वेश्चन
छह सात प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है सर, ऐसा तो अप्रोच सर वैसे रखना चाहिए। जैसे सर बुक्स भी मैंने देखी है आईएएस मास्टर की, मेरे पास रखी हुई रिफर करता था तो सर उसमें एकदम बहुत अच्छा अप्रोच दे रखा है, अगर कोई उसको लगा ले दो तीन बार पढ़ ले तो काफी सारे एग्जाम निकल सकते हैं सर। बिल्कुल, और ये एक्चुअली एसएससी जी वाला जो हमारा बुक भी है उसमें काफी ध्यान देके बनाया गया है ऑब्वियसली। और ये प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का रोल बता सकते हो क्या, कैसा तुमने फील किया टेस्ट सीरीज? सर टेस्ट सीरीज तो सर मतलब देनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे देनी चाहिए टेस्ट सीरीज, और क्योंकि सर वही बताती है उसमें मार्क्स को हमें नहीं देखना चाहिए क्या आ रहा है क्या नहीं। सर इतना टफ बनाते हैं कि हम 200-180 के करीब ही रह जाते हैं या 160 के करीब, लेकिन जब यहाँ के टेस्ट दे लोगे फिर वहाँ आपको कम 2 घंटे से कम ही टाइम में आप वहाँ पेपर कर ले जाओगे, तो टेस्ट सीरीज का सर बहुत स्पीड भी बढ़ जाती है। पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देनी देना है, उसके बाद स्पीड पे, स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और ये रिवीजन के लिए फिर कितना टाइम दिया होगा तुमने, या फिर रिवीजन कितनी बार कर पाए होगे तुम सारे सब्जेक्ट्स का? रिवीजन सर ऐसा था कि जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो रिवीजन का अपने आप शेड्यूल, जैसे सर मेरा सुबह का टाइम था कि मैं सुबह के टाइम रिवीजन करना है जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं सर, वो फिक्स टाइम, जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो रिवीजन टाइम बढ़ाते जाते हैं और नया सब्जेक्ट का टाइम कम करते जाते हैं। और सर एक साइकिल के फेज में चलने लगता है कि इसका इतना पार्ट रिवीजन, फिर सर जैसे जैसे टाइम पेपर पास आता है फिर सेलेक्टिव रिवीजन होने लगता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें कम रिकॉल हो रही है उसको ज्यादा बार पढ़े ज्यादा प्रैक्टिस करे उसकी, ऐसा सर। अच्छा, मतलब स्टार्ट जब किया प्रिपरेशन तो उस समय पे नए सब्जेक्ट्स हैं तो पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला गया तो रिवीजन का टाइम बढ़ाते चले गए, फिर थोड़ा और करीब एग्जाम के करीब आते चले गए, तो फिर क्या किया हमने रिवीजन में भी सेलेक्टिव रिवीजन करना चालू कर दिया। yes, ये क्या yes. सही बता रहा हूं? यस सर, यस ऐसे किया yes, ना? यस सर। अच्छा एक और बात बताओ कि जब पढ़ाई कर रहे थे पढ़ते yes. समय जो नोट्स बनाने का प्रोसीजर है क्या शुरुआत से पूरा नोट्स बना रहे थे, हैंड रिटन नोट्स? प्रॉपर सर। मैं ये पर्सनली इसलिए जानना चाह रहा था कि हर एक स्टूडेंट का अपना व्यू है और बाकी जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो हमसे बोलते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है कि बहुत समय लग रहा है, बट एट द सेम टाइम जो बच्चे हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं उनको उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन है, जैसे तुम दोनों ने बनाया। जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए वो रिकॉल ज्यादा होता है, पीडीएफ देख लोगे स्क्रॉल कर लोगे पढ़ लोगे उतना याद नहीं रहेगा, आप लिख के एक बार किए फिर दोबारा जल्दी से प्रैक्टिस करिए फिर क्लास के बाद तो थोड़ा सही रहता है, ऐसे खुद के नोट्स खुद का लिखा हुआ अच्छे से सही रहता है मेरे हिसाब से। बाकी सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, जब भी आप नोट्स बनाए तो एक चैप्टर के बाद 2-3 पेज हमेशा खाली छोड़ने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नोट्स वगैरह या टीचर प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो टेस्ट सीरीज में आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं तो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइए तो सही रहता है रिवीजन में, बिल्कुल इजी रहता है। बिल्कुल, तो ये वाला पॉइंट भी तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि नोट्स बनाते समय, अच्छा नोट्स बना कब रहे थे, सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद, चैप्टर के कंप्लीशन के बाद? सर पहले तो सर पहले ही नोट्स बना लिए थे हमने, जैसे पढ़ाई चल रही है तो नोट्स का प्रिपरेशन क्या साथ साथ में करना चालू कर दिए? तो साथ साथ भी होता था, उसके बाद फर्दर कोई कॉन्सेप्ट अलग से मिल गया, कोई जैसे क्वेश्चन आया हुआ टेस्ट सीरीज में उसका कॉन्सेप्ट देखे तो उसको भी ऐड करते गए साथ में, तो एक सर प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये सर। कि अच्छा, और बाद में फिर क्या शॉर्ट नोट्स भी बनाया था? यस सर, शॉर्ट नोट्स बनाए थे प्रॉपर सर, मतलब पहले पूरा नोट्स बनाया फिर बाद में उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए। शॉर्ट नोट्स इस हिसाब से बनाए थे कि जो हम ज्यादा भूल रहे हैं जो चीजें उसको उसमें उसको उसको ऐड किया था उस नोट्स में, और बाकी सर जो बेसिक चीजें हैं वो ऐड नहीं करी थी शॉर्ट नोट्स में। अच्छा, इस पूरे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं तुमने अगर थोड़ा सोचोगे तो आइडेंटिफाई करके बता सकते हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? सर जैसे मैंने प्री में जब सर तैयारी करा था तो मैंने सर अपना ज्यादा टाइम करंट अफेयर में लोकेट कर दिया था, जैसे उसमें 15-20 क्वेश्चन करीब आते हैं तो सर, लेकिन इस बार मैंने क्या सर 8 महीने तक के करंट अफेयर कवर किए थे, लेकिन इस बार सर करंट अफेयर 2019-20 इसके पूछ लिए थे तो सर वो सर फिर मैं कर नहीं पाया था, तो सर मैं वही कहना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट चूज करिए तो करंट अफेयर तो सर मतलब नॉर्मल पढ़ लेना चाहिए, इतना उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बाकी जैसे पॉलिटी है हिस्ट्री जीएस की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री इन पे थोड़ा फोकस कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी जनरल साइंस और इन्वायरमेंट ये मेन मेन सब्जेक्ट है, बाकी रीजनिंग की प्रैक्टिस 2-3 घंटे लगभग 2 घंटे तो डेली करो अगर बोर हो रहे हो फिर भी, और सर बाकी टेक्निकल तो चलता रहेगा वो तो चलता रहेगा लास्ट। टोटल टाइम का इन्वेस्टमेंट कितना घंटे पढ़ लेते थे डेली सर? लगभग
13 to 14 आवर्स हो जाते सर। सर मेरे तो 10 ही हो पाते थे, इसके तो सर हो जाते थे, मैं खुद देखता था सर। सो क्लास को इंक्लूड करते हुए अगर 3 घंटे की क्लास है तो करीब 13 घंटे की पढ़ाई। सर मेरी 10 घंटे और इसकी 13 की, तब ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बिकॉज 3 घंटे क्लास करने के बाद फिर 8 घंटे 9 घंटे बैठ के पढ़ना सच में ये टफ टास्क है। जी सर, देखो जो सर क्लास में है उसको वापस पढ़ना और जो पहले पढ़ चुके उसको रिवीजन करना भी सर जरूरी है, वरना फिर आप पुराना भूलते जाते हो, नया सीखते जाते हो, तो सर वो कोई आप सही नहीं रहता सर। अच्छा ये जो आप बताओ, जैसे लाइब्रेरी के बाद मैं आता था, लाइब्रेरी के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता था, है ना, और ये रेस्ट भी नहीं करता था, ये तुरंत आके खा के एकदम पंक्चुअल, और जितने टाइम प्रिपरेशन करी उतने टाइम बहुत सही, मतलब तो दोनों लाइब्रेरी भी चले जाते थे। यस सर, यस सर। अच्छा मतलब रूम वहां लेके रखे हो, साथ में लाइब्रेरी भी चले जाते थे ना। अच्छा ये ऑनलाइन क्लासेस में अटेंटिव रहते थे या तुम लोग भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मोड में भी ये करते समय? सर साथ में ही करते थे सर, तो सर थोड़ा फोकस बना रहता था, जैसे रिकॉर्डेड क्लास करो तो उसमें सर थोड़ा फोकस लैग करने लगता है, वरना लाइव करो तो सर ठीक रहता है वैसे। तो मतलब क्या ये सजेस्ट करना चाहोगे कि जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाइव करने की कोशिश करें, ना कि रिकॉर्डेड? यस सर लाइव में क्या आपको ये नहीं कर सोचना है कि 2 घंटे का बचा हुआ है, वो जैसे रिदम में चलता रहेगा अपने क्लास और खत्म हो जाएगा। डाउट भी सर तुरंत पूछ सकते हो कोई टीचर से। और रिकॉर्डेड में सर एक बर्डन सा फील होता है कि अरे वो क्लास करनी, 2x पे चला लिया, 1.5x पे चला लिया, नहीं कर रहे, बैठ गए, चाय पीने लगे, ऐसे फोन आ गया। तो डाउट वगैरह पूछ सकते हो, तो तुमने जो डाउट वगैरह पूछे उसमें हाउ डू यू फील अबाउट दैट? सर क्लियर हो गए थे सर सारे डाउट आपके से, तो मैंने सर्वे पढ़ा था इतने, आपने बहुत मेंस तक के बहुत डीप में आपने क्वेश्चंस कराए हैं, और सर आपने सॉइल भी अच्छा करवाया है, मैंने तो कर रखा है, तो अच्छे सही है, भरोसा तो सर है ही सर। आईएएस मास्टर वैसे फेमस ही है हर चीज के लिए, उनकी बुक्स तो सर वो पीवाईक्यू तो और ज्यादा फेमस है मार्केट में, तो मतलब सब कुछ यूज कर डाला है ना। यस सर। बट मेजर सब कुछ होने के बावजूद ऐसा होता है ना कि चीजें बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, हमारा जो पार्ट है वो हम प्ले जरूर करते हैं, बीइंग एज फैकल्टी, बीइंग एज पार्ट ऑफ मास्टर लर्नर और आईएएस मास्टर, चाहे कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो या बुक से रिलेटेड हो, बट अवेलेबल होने के बावजूद भी सबसे जो ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है वो है तुम्हारा डिस्पिरेशन और तुम्हारा हार्ड वर्किंग, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है जो तुम बता रहे हो कि 10 घंटे और 12 घंटे हम बैठ के पढ़ लेते थे, वेरी टफ, और वो भी आज के डेट में, क्योंकि अब उतना पेशेंस बहुत कम है बच्चों के पास में। मोबाइल, अच्छा मोबाइल वगैरह का क्या करते थे इस बीच में? सर फ्लाइट मोड पे सर रखा रहता था, रूम पे रखे जाते थे सर, और सर छोटा फोन मैंने ले रखा जो केवल, अच्छा लाइब्रेरी जाते थे तो मोबाइल छोड़ के चले जाते थे। सर मैंने तो सर एक छोटा फोन रखा था जिसका केवल नंबर मम्मी पापा के पास है, दूसरा नंबर है मेरे पास। अच्छा नो सोशल मीडिया एट ऑल? यस सर, यस सर, यस। उस टाइम पे नहीं सर, बता दूं मयंक हैज गॉट वेरी गुड रैंक। सो लिसन ऑल ऑफ यू जो भी देख रहे हैं, देखो इसने मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दिया और चला गया लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, एट द सेम टाइम अनूप इज सेइंग दैट कि वो छोटा फोन रखा था एंड कोई उसमें सोशल मीडिया नहीं, और ये करीब कितने दिनों तक चला, ये 1 साल या 2 साल तक ऐसा रखा? हाँ सर, पूरी प्रिपरेशन जर्नी के थ्रू सर यही रहा। ये बहुत जबरदस्त बात है ये, तो मतलब अपने आप को कहीं से कोई टाइम वेस्टेज वाला कोई कारण ही नहीं छोड़ा तुमने, है ना? यस सर। अच्छा तब अगर मान लो मोबाइल भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, फिर एंटरटेनमेंट कैसे करते थे? क्योंकि ऐसा तो बोर हो जाएगा ना इंसान, नहीं हो जाएगा? तुम ये सोच के देखो ना, कंटिन्यूअस एक ही पार्ट करते रहोगे, या उठा कौन करेगा, हटाओ यार, तो फिर वो एंटरटेनमेंट का कुछ तो जरिया होगा। 4 साल की दोस्ती है तो सर, जैसे बीटेक में तो पुरानी बातें याद करना, या कभी किसी दोस्त को, खास दोस्त को जैसे हमारे म्यूचुअल खास है, उनको फोन करके फिर बातें करना, और ऐसे आपस में हो जाता था सर टाइम स्पेंड। अच्छा ड्यू टू, क्योंकि तुम लोग दोनों साथ में थे तो सेल्फ इंटरेक्शन, आपस में बातचीत करके जो टाइम बिताया तुमने पुरानी बातें याद करके, वो तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट, और वो होता भी है, हमारे भी दोस्त आते तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट ही होता है, दैट्स ट्रू। वन लास्ट क्वेश्चन, एक जो मैं चाहता हूँ वो जरूरी भी है, कि तुम्हारे जूनियर्स भी होंगे, तुम्हारे बैचमेट भी होंगे, तो तुम लोगों ने तुम लोगों ने झालावाड़ राजस्थान में जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है, क्या क्या नाम बताया उस इंजीनियरिंग कॉलेज का? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां तुम्हारे जो बैचमेट्स होंगे, जो जूनियर्स होंगे, उनको भी बड़ा हौसला मिलता है कि उनके जो सीनियर हैं या उनके बैचमेट ने सक्सेस हासिल किया मेहनत करके, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे?
सर प्रिपरेशन सर फाइनल ईयर से या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो भी उनका गोल है उस पे से फोकस कर लेना चाहिए, और एक सही गाइडेंस सर वो ध्यान में रखते हुए कि हाँ इस पे फोकस, हर सर इतना मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, हर तरफ नहीं भागना है, एक जगह फिक्स रखो, अपने नोट्स प्रॉपर रखो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस करो, हो जाएगा सर सिलेक्शन। बिल्कुल, यस सर, दैट्स ऑल। यस यस सर, सर, ओके। सो थैंक यू बोथ मयंक एंड अनूप, बहुत बहुत बधाई है तुम लोगों को, इतने हार्ड वर्किंग लोगों को तो ऑब्वियसली सैल्यूट है, जो भी इस दुनिया में हार्ड वर्क करते हैं उनको जरूर सक्सेस मिलता है, बट हाँ साथ में थोड़ा स्ट्रेटेजिक अपना ठीक रखें, और यस थोड़ा सर, बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन सबके ही आता है, लेकिन डेस्परेट रहें, गोल को अपना मेंटेन रखें। थैंक यू एंड थैंक मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको मास्टर लर्नर टीम की तरफ से, टेक केयर, यू सो बाय। मच सर, थैंक यू सो मच।